हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो आज की जो है पांच इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इवन इसमें बेसिकली अभी जो गवर्नमेंट ने पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन को बढ़ाने का जो बात की गई है, हम बात करेंगे उसमें क्या क्या क्लॉज हैं और किस तरीके से जो है किन पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन को बढ़ाने की बात की गई है। उसके बाद से हम बात करेंगे बेसिकली दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो डिफेंस अकाउंट सिस्टम है और जो डिफेंस अकाउंट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है वो रूल कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ और वो रूल बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला आने वाले टाइम में, क्योंकि उसको कोई भी इसको केयर नहीं कर रहा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जो ECHS है, जो भी ECHS में के यूज़र्स हैं या जो ECHS की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं उनके लिए कुछ यूज़र्स हैं उनको 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है ECHS की वन टाइम पेमेंट में। हम बात करेंगे कौन से वो यूज़र्स हैं जिनको कि 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो अभी जो है DA में जो है जुलाई से इंक्रीज़ होने वाला वो कितना होगा बेसिकली, क्योंकि अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 12% मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में कितना इंक्रीज़ होगा, क्यों इंक्रीज़ होगा, कब से इंक्रीज़ होगा, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों एक एक करके बात करते हैं। पहला जो अपडेट है वो है इंक्रीज़ इन पेंशन का, जो मिनिमम पेंशन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, और ये किन एम्प्लॉयज़ के लिए, ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ जो कि EPF के एम्प्लॉयज़ हैं, EPF के पेंशनर्स हैं, उनकी मिनिमम पेंशन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। और ये जो अपडेट है बेसिकली ये जो अपडेट है उसका जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया हुआ। इसमें बेसिकली क्या, जो भी EPF के पेंशनर्स हैं वो काफ़ी टाइम से मिनिमम पेंशन को बढ़ाने की बात कर रहे थे, उसको बढ़ाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया गया जिसमें कि एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने जो है जो जो EPF की पेंशनर्स की करंट कंडीशन है और EPF की पेंशन क्यों बढ़ाई जानी चाहिए, इन सब का एक तरह से जो है उन्होंने चेक किया। और चेक करने के बाद से बेसिकली अभी वो प्रोसेस चल ही रहा है। इन बिटवीन जो है EPF के जो जो यूनियन है या EPF के जो वेलफेयर टीम है उन्होंने एक बार दोबारा अप्रोच किया है और गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर आया है उसमें कहा गया है कि कमिटी जो है दे आर स्टिल वर्किंग टू चेक द EPF पेंशनर्स कंडीशन और उसके ऊपर दे आर मेकिंग अ रिपोर्ट, और वो एक रिपोर्ट बनाएंगे एंड बेस्ड अपॉन दैट रिपोर्ट इट विल बी डिसाइडेड वेदर द मिनिमम पेंशन विल बी इंक्रीज्ड और नॉट। दूसरा इसमें बेसिकली ये था कि द रिपोर्ट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दैट आर इन फेवर ऑफ EPF पेंशनर्स। सेकेंड जो था वो पेंशन की कम्यूट वैल्यू के लिए था, उसके लिए अभी कोई काम नहीं चल रहा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो भी जो लेटेस्ट अपडेट है, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम जो अटेंडेंस के लिए है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। ये अभी का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले का स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर यह जो शिकायत आ रही है कि मैक्सिमम जगह पर जहाँ जहाँ पर ये अटेंडेंस का बायोमेट्रिक सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कई जगह पर जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दोबारा से एक ऑर्डर आया और अब जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जहाँ जहाँ पर जो है बायोमेट्रिक जो भी डिवाइस लगाया है और अटेंडेंस के लिए जो है मैनुअली अभी भी हो रहा है वहाँ पर जो है इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद से जो भी सैलरी होगी, जो भी अलाउंस होगा, वो सब बेस्ड अपॉन बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस सिस्टम है। और ये बेसिकली जो है काम को बढ़ाने की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया गया है, क्योंकि जिससे कि लोग टाइम पे आएँ और प्रॉपर टाइम ट्रैक कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ECHS में जो World War II के जो वेटरन्स हैं, ये स्पेसिफिकली अभी निकाला गया है कि जो World War II के वेटरन्स हैं उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा वन टाइम पेमेंट में। आप जानते हैं कि जो ऑफिसर्स के लिए वन टाइम फीस है वो है 1,20,000 रुपये। तो अल्टीमेटली अगर World War II के वेटरन्स हैं जितने भी हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं उनको सीधे सीधे जो है 60,000 का मिलेगा, बाकी 60,000 इट विल बी टेकन केयर बाय द
ECHS. So it is a very good thing. So those who have not applied for ECHS in this particular category of World War II veterans, they should apply, because you will be getting 50% discount on one-time fee. जो वन टाइम फी है वो बहुत ज़्यादा है. तो अल्टीमेटली आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए. एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर जे सी ओज, ओ आर्स एंड ऑफिसर्स. सो एवरीबडी कैन अप्लाई, और बेस्ड अपॉन द वन टाइम फी, जो भी वन टाइम फीस है उसके बेस पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा. नेक्स्ट दोस्तों, जो लास्ट अपडेट है वो है DA का. आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा DA का जो एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई कितना होगा, कैसे होगा, इन सब का आता रहता है. तो अल्टीमेटली जो है, दिस डीए इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन AIC पिन इंडेक्स नंबर. हर महीने के लास्ट में जो है AIC पिन आता है. जैसे अभी जो AIC पिन का नंबर आया हुआ है मई का, जून का जो आएगा वो जुलाई के एंड में आएगा. तो अल्टीमेटली जो AIC पिन, वैसे तो अप्रैल का जो आया था उससे ही डिसाइड हो गया था कि जुलाई में जो है कितना डीए मिलेगा. बट उस समय अप्रॉक्सीमेट ये था कि अगर जुलाई में अप्रैल में जो है 3 पॉइंट्स बढ़े थे, तो अगर मई और जून में कांस्टेंट भी रहता है, देन आल्सो यू विल बी हैविंग द डीए अप टू 5%. बट नाउ द सीन इज दैट इन मई द इंडेक्स हैज इंक्रीज बाय 2. तो अल्टीमेटली क्या है कि अब इस पे जो है स्टैंप लग गया है कि यू विल बी गेटिंग अप टू 5% ऑफ DA. तो दोस्तों, ये थे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स ECHS बेनिफिशरीज के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स. और खासकर ECHS में जो इस कैटेगरी में आते हैं, दे शुड गो फॉर दिस वन टाइम पेमेंट वेवर, जो कि 50% का पेमेंट वेवर है. और AIC पिन की बात करें तो उसमें AIC पिन का जो लेटेस्ट इंडेक्स नंबर आ गया है, और उसके थ्रू जो है एक्सपेक्टेड जो जुलाई से जो है DA बढ़ेगा, दैट विल बी 5%. तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.